नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज हैं सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर और कांग्रेस के लीडर कपिल सिब्बल जी, जो कि टेलीकॉम मिनिस्टर भी हैं। दिमाग से नेता, दिल से कवि, पेशे से वकील हैं कपिल सिब्बल। उन्हें सियासी उथल पुथल में भी किसी भी बात की चिंता नहीं होती। राजनीतिक दांवपेश के माहिर खिलाड़ी सिब्बल अपने तर्क और तथ्यों के साथ हर सवाल का सटीक जवाब देने में यकीन रखते हैं। 1988 में बिहार से राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद कपिल सिब्बल को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी बनाया गया। 2004 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली के चांदनी चौक सीट पर उन्होंने बीजेपी की स्मृति ईरानी को करारी शिकस्त दी, जिसका इनाम उन्हें मनमोहन सरकार में मंत्री पद मिला। यूपीए के दोबारा सत्ता में आने के बाद उन्हें सरकार में अहम जिम्मेदारियां मिली। सियासी संकटों से सरकार को बचाने वाले थिंक टैंक में कपिल सिब्बल का नाम सबसे आगे रहा। बतौर दूरसंचार मंत्री, जहां देश को वो सबसे सस्ता टैबलेट देने की पुरजोर कोशिश में जुटे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर अंकुश की उनकी मंशा भी सवालों के घेरे में है। मौजूदा सियासी हालात और 2014 चुनावों की रणनीति के सवालों के साथ आमने सामने में आज कपिल सिब्बल। वेलकम टू द शो। थैंक यू। दिल्ली में जो छोटी सी बच्ची का रेप का फिर से ये मसला हुआ और दिल्ली पुलिस के खिलाफ फिर से नारेबाजी शुरू हो गई है, और जिस तरीके से शायद हैंडल किया गया, मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा इस किस्म की घटना को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये एक समाज के साथ अन्याय है, और ऐसे सामाजिक अन्याय में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और हमें खुद सोसाइटी में, समाज में, जहाँ जहाँ भी हम रह रहे हैं, हमें खुद ख्याल करना चाहिए कि महिलाओं की हिफाजत हो हर तरीके से। लेकिन ये सारे मुद्दे फिर सरकार के ऊपर ही आते हैं कि सरकार, वो तो ठीक है ना, कोई भी सरकार होगी, सरकार की जिम्मेदारी रहती है। कल को कोई और सरकार आ जाए या परसों कोई और सरकार आ जाए या हम ही रहें, जिम्मेदारी तो सरकार की होगी ना, हमेशा रहती है। क्योंकि जनता जो है वो सरकार को दोषी मानती है इन चीज़ों में, और ये निश्चित ऐसा ही होता है, जनता ऐसा ही सोचती है। लेकिन ये एक सामाजिक मुद्दा है मेरे हिसाब से। जिस तरीके से रोज अखबारों में आने लगा, चैनल्स में, छोटी बच्चियों के साथ जिस तरीके से बर्ताव हो रहा है, पहले ये खबरें सामने नहीं आती थी, आज ये खबरें सामने आ रही हैं, और अच्छी बात है कि सामने आ रही हैं। क्योंकि अगर ऐसी खबरें सामने आएंगी, और ये एक, इसमें मैं मीडिया को दाद दूंगा, इस इशू पे मीडिया को दाद दूंगा कि वो सामने खबर ला रहे हैं, और इसमें मैं समझता हूँ कि एक सामाजिक सोच में भी बदलाव आएगा, और हम निश्चित रूप से सामाजिक कदम उठाएंगे ताकि हमारे महिलाओं की रक्षा हो पूरी तरीके से। कपिल जी, मंडे से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। इस बार कह रहे हैं बिकॉज ऑफ द JPC रिपोर्ट, ड्राफ्ट रिपोर्ट, और जो लॉ मिनिस्टर के साथ जो CBI वाला मुद्दा हुआ है, इन दोनों मुद्दों पर तो विपक्ष आप लोगों पर पूरी तरह से चढ़ाई करने वाला है। अब देखेंगे जब पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत होगी तब देखेंगे। कपिल सिब्बल जी, पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा, मसला इस पार्लियामेंट सेशन में आने वाला, हर सेशन में होता है। JPC की ड्राफ्ट रिपोर्ट आ गई, ऑपोजिशन इसको कांग्रेस की रिपोर्ट कह रहा है। जैसे पिछली बार जब CAG की रिपोर्ट आई भी नहीं थी और उसकी कोई लीक्स अखबारों में आ गए, तो बिना रिपोर्ट सदन में रखे उसके पहले ही सब चर्चा शुरू हो गई। तो मैं ये गलती नहीं करना चाहता। जब तक JPC रिपोर्ट सदन के सामने नहीं आती औपचारिक रूप में, और चर्चा तो तभी होगी ना सदन में, तो हम उससे पहले ही चर्चा शुरू कर दें कि रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है। अभी तो बैठक होनी है JPC की, तो मैं समझता हूँ कि इसमें आप लोग भी कुछ गलतियाँ करते हैं और हम लोग भी कुछ गलतियाँ करते हैं। अगर कोई आप सीरियस डिबेट चाहते हो जी, तो वो डिबेट पार्लियामेंट में होनी चाहिए जब रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश हो। आपके लॉ मिनिस्टर के ऊपर जो खबर चली कि उन्होंने CBI के डायरेक्टर को बुलाया और कोलगेट के ऊपर जो स्टेटस रिपोर्ट है उसमें दखल अंदाजी नहीं, CBI डायरेक्टर ने खुद कहा है, उनका बयान है, और आपको मालूम है CBI के ऑफिशियल बयान है, कोई प्रेशर नहीं हुआ। फिर ऐसा क्यों है कि ऑपोजिशन जो है वो CBI के ऊपर सब कुछ डालने की है, तो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब देखिए ऐसा है, जब जेटली साहब लॉ मिनिस्टर थे और अडवाणी जी को उन्होंने एफआईआर से निकाल दिया और एक दो केस बना दिए, एक के बजाय एक के, तो तब वो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन था, तो
तो जो ऐसे आरोप लगाता है उसको भी अपने मन में झांकना चाहिए, दिल से झांकना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे थे उस समय, हमने तो कभी ऐसे काम किया ही नहीं। हमारे तो कुछ सहयोगी मंत्री भी जेल चले गए, आपके सहयोगी दल भी, मुलायम सिंह जी खुद ही कहते हैं कि सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। नहीं, वो तो भाई देखिए, ऐसा किसी का बयान आना, उसके आधार क्या है, वो तो आप मुलायम जी से पूछिए। क्यों ऐसी बातें फिर पब्लिक डोमेन में आती हैं? पॉलिटिक्स में ऐसे होता है क्योंकि लोग एक वातावरण बनाना चाहते हैं, एक एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं सरकार के खिलाफ, ठीक है। और हर अपना हर 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 राजनीतिक जो लीडर है वो अपनी अपने प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में, अपने पार्टी के प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में सोचता है और बयान देता है। क्योंकि मैं जो मेरी समझ में है कि सदन में जो देश के भविष्य के बारे में कम बातें होती हैं, अपनी पार्टी के भविष्य के बारे में ज़्यादा बातें होती हैं। और अपने पार्टी के भविष्य के लिए कोई कुछ भी करने को तैयार है, और उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि देश का भविष्य नज़रअंदाज हो जाता है और उसमें देश का नुकसान होता है बहुत, और हो भी रहा है। मैं समझता हूँ कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हमें बैठ के खुद तय करने चाहिए विपक्ष के साथ, और विपक्ष को भी तय करने चाहिए कि ये देश के हित में है, चाहे वो वित्तीय नीति हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशंस की बात हो। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिससे हमें निवेश लाना पड़ेगा, ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी, वो अक्रॉस द पार्टी मुद्दे होने चाहिए, लेकिन कोई स्किन की बात ही नहीं करता। डू यू फील हेल्पलेस? इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ हेल्पलेस, वी आर इन अ कोएलिशन गवर्नमेंट एंड वी डोंट हैव अ मेजॉरिटी इन द राज्यसभा। तो अगर विपक्ष चाहती है कि केंद्र सरकार कोई बिल ही नहीं पास कर पाए देश के भविष्य के लिए, तो उसमें फिर जनता बताएगी 2014 में क्या करना चाहिए। बात ये क्यों हो रही है कपिल सिब्बल जी कि 2014 की बात क्यों वेट कर रहे हैं, हम तो 2013 में चुनाव हो जाएगा। ये कौन बात कर रहा है? मीडिया ही बात कर रही है, हम कांग्रेस पार्टी ने कभी, आपकी कोलीग्स बात कर रहे हैं, आपके एसोसिएट बात कर रहे हैं, मुलायम सिंह कह रहे हैं, मुलायम सिंह कह तैयार रही है, मायावती कहती है। कांग्रेस पार्टी ने तो कोई ऐसा ऑफिशियल बयान नहीं दिया कि 2014 से पहले इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन क्या आप रेडी हैं उसके लिए? हम तो हमेशा रेडी रहते हैं, हम तो 2009 में भी रेडी थे, इलेक्शन तो किसी टाइम भी कभी भी हो सकता है, तो रेडी तो होना पड़ेगा ना। और ऑफिशियली हमने ये कहा है और स्पष्ट रूप से कहा है कि हम उसे पहले नहीं करवाएंगे। लेकिन अगर आपके अलायंस का प्रेशर होगा तो क्या ऐसा हो सकता है? जब वो बात आएगी सामने तब तय होगा क्या करना है क्या नहीं आना, अभी तक तो आई नहीं। लेकिन एक बात बताइए, क्यों ऐसा है कि आपके जितने अलाइज हैं वो सब छिटके छिटके हैं? बीजेपी की हालत देखो, बीजेपी की बात नहीं, आपसे बात होता है, अक्सर होता है, जब केंद्र का चुनाव आने वाला होता है तो हर एक पार्टी सोचती है कि हमारे दृष्टिकोण क्या होना चाहिए और हम किस नीति के आधार पर हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अपना सदैव अपना वोट बैंक देखते हैं चाहे वो कोई भी प्रदेश हो। तो निश्चित रूप से बयान ज़रूर आएंगे और निश्चित रूप से सभी अपनी बातें रखेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हो रहा है कल हो रहा है। चाहे वो टीएमसी हो, एक बार निकल गई तो ममता जी निकल गई, डीएमके भी आपके साथ नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं, डीएमके ने ऑफिशियली सपोर्ट विड्रॉ की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ नहीं खड़े वो सेक्युलर पार्टियां। देखो, इस देश में दो किस्म की पार्टियां हैं, एक जो विवाद बढ़ाती हैं और एक जो हिंदुस्तान को इकट्ठा देखना चाहती है, ठीक है ना। उसमें से डीएमके एक ऐसी पार्टी है, उसमें से मैं मुलायम जी भी, समाजवादी पार्टी भी ऐसी पार्टी है, उसमें से मायावती जी की भी पार्टी भी ऐसी पार्टी है, मैं समझता हूँ उसमें टीएमसी भी ऐसी पार्टी है। तो मुझे इस बात का कोई घबराहट नहीं है जिसकी बात आप सोच रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए कि 2014 में क्या यही रूप आप यूपीए का देख रहे हैं, मसलन जेडीयू को आप देख रहे हैं अपने साथ खड़े? आजकल आप लोगों की बड़ी रोमांटिक बातें चल रही है नीतीश जी के साथ। पॉलिटिकल रोमांस और डाइवोर्स तो होता ही रहता है पॉलिटिक्स में, इसमें क्या बड़ी बात है, और सभी से रोमांस होना चाहिए। हमारे बस एक पार्टी से हमें कभी रोमांस नहीं हो सकता, वो है भारतीय जनता पार्टी। शुरुआत से ही हमारा ऐसा जुडिशियल सेपरेशन हुआ है संविधान के वक्त ही कि वो हमारे संग कभी नहीं आ सकते, वो डाइवोर्स तो पक्का है। बाकियों के साथ देखे जो परिस्थिति सामने आएगी उस हिसाब से। लेकिन क्या आपको लगता है कि जेडीयू आपके साथ आ जाएगा? अभी तो जेडीयू ने यह भी स्पष्ट किया कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ कभी जाएंगे ही नहीं। पहले उनकी तरफ से बयान तो आने दो, कोई जब बयान आएगा तब हम सोचेंगे। इतने तोहफे सरकार की तरफ से जेडीयू को क्यों दिए जा रहे हैं? 12,000 करोड़ का तोहफा दे दिया गया, ये सब क्या है? बैकवर्ड रीजन जो फंड है ये केवल बिहार के लिए नहीं है,
ये सब हिंदुस्तान के बैकवर्ड रीजन्स के लिए, उसमें उड़ीसा भी शामिल है, बाकी प्रदेश भी शामिल है। पर उड़ीसा को तो 12,000 करोड़ नहीं मिले। जो तो डिपेंड किसी की जरूरत कितनी है उस हिसाब से होगा। ये कोई इसलिए नहीं कि हम किसी के नज़दीक हैं या किसी के नज़दीक नहीं है तो इसलिए, ऐसा सरकार, केंद्र सरकार ऐसे कर भी नहीं सकती और असंवैधानिक होगा वो। और ये प्लानिंग कमीशन के द्वारा आया है तो इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। 2014 आपको क्या लग रहा है? लोग कह रहे हैं कि राहुल बनाम मोदी है। लोग नहीं, ये मीडिया कह रहा है। कौन लोग कह रहे हैं? मीडिया कह रहा है, पॉलिटिकल। वन सेकंड, कांग्रेस पार्टी तो नहीं कहा ना, तो लोगों में से कांग्रेस पार्टी तो हट गई क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी ये बात नहीं की। तो वो लोग कौन है? वो लोग आपकी 24/7 जो चैनल्स हैं। अगर नहीं है, करेक्ट है, नहीं हो, आप क्यों कहती हैं? अगर राहुल जी स्पीच देते हैं तो आप मोदी की स्पीच में साथ में लगा देते हो, अगर मोदी जी स्पीच देते हैं तो राहुल की स्पीच साथ लगा देते हो। ये हम तो नहीं कर रहे, ये मीडिया कर रहा है। देखिए, हमारी नीतियों के आधार पर हमारी पार्टी आगे बढ़ती है, पर्सनैलिटी के आधार पर नहीं बढ़ती। और जो नीतियाँ हैं और जो हमने नीतियाँ अपनाई हैं और जो हमने ज़मीन पे काम किया है, उस आधार पे हम देश के सामने, देश की जनता के सामने जाकर कहेंगे कि हम आपका वोट चाहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से उनकी पोजीशनिंग हो रही है तो उससे तो ये लग रहा है कि एक एक झाड़ू लेके आएंगे और देश में जितनी गड़बड़ी, झाड़ू लेके देश का सफाया तो जरूर कर सकते हैं वो, इतना तो बात सही है। जिस किस्म का सफाया वो करेंगे, बेहतर कर, जिस कदम का वो सफाया करेंगे, हिंदुस्तान में कोई और नहीं कर सकता। मैं आपको सच बात बताऊं, नरेंद्र मोदी ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में ज्यादा कहना उचित नहीं है। ये खुद पर खुद हिंदुस्तान की जनता जान जाएगी कि उनकी असलियत क्या है। पीआर एजेंसी के द्वारा आप हिंदुस्तान का भविष्य नहीं बदल सकते। पीआर एजेंसी से पॉलिटिक्स नहीं होता। लेकिन लगता नहीं है कि नरेंद्र मोदी की बातें लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं? अनुराधा जी, किन लोगों को क्या अट्रैक्ट कर रहा है मैं तो नहीं जानता। मैं पूछता हूँ, नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी क्या है मैं जानना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए। आपको नहीं मालूम क्योंकि अभी उन्होंने कभी सामने रखी ही नहीं। उन्होंने गुजरात में क्या किया, गुजरात के आदिवासियों के साथ, ट्राइबल के साथ क्या हो रहा है, गुजरात की ड्रिंकिंग वाटर कंडीशन क्या है, गुजरात का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, ये तो आप कभी बात करते ही नहीं। लेकिन आज इस बात को कोई, कपिल सिब्बल जी, कोई इग्नोर कर सकता है क्या कि नरेंद्र मोदी एक बीजेपी के, जब आएगा भैया, जब 2014 में देखेंगे ना लीडर, तो बीजेपी असली असली मुद्दा बीजेपी। तीन दफा उन्होंने गुजरात, वो तो तीन दफा शीला दीक्षित ने भी बोला था, लेकिन आपने शीला दीक्षित के थ्रू अभी ऐसी बात नहीं की। तीन बार तो शीला भी जीत चुकी है और चौथी बार जीतेंगी, चौथी बार भी जीतेंगी। लेकिन शीला दीक्षित को कांग्रेस पार्टी तो ऐसे नहीं, कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित ने कोई पीआर एजेंसी एंगेज नहीं की। शीला दीक्षित ने कोई पीआर एजेंसी नहीं एंगेज की। तो क्या आप शीला दीक्षित को विवादित एजेंडा नहीं ले जाते? कितना जनता के साथ है वो तो जनता ही बताएगी। अगर गुजरात इतना ही प्रभावित था नरेंद्र मोदी से तो 26 में से 12 सीटें कांग्रेस की क्यों है? डू यू थिंक दैट टेलीकॉम, जो इंडियन इकोनॉमी का पोस्टर बॉय हुआ करता था टेलीकॉम सेक्टर, इट इज ओवर नाउ? हाँ बिल्कुल, इट इज ओवर एट द मोमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि रिवाइव नहीं करेगा। मैं समझता हूँ कि टेलीकॉम सेक्टर का रिवाइवल होगा और ऐसा होगा कि दोबारा टेलीकॉम सेक्टर एक हमारे सब सेक्टर्स में से एक सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर टेलीकॉम रहेगा, क्योंकि एक डिजिटल रेवोल्यूशन हिंदुस्तान में ही आने वाला है और विश्व में भी आ रहा है, और उसकी वो कहानी हिंदुस्तान में लिखी जाएगी जिस किस्म की इलेक्ट्रॉनिक्स रेवोल्यूशन हिंदुस्तान में होगी, और उसका टेलीकॉम ऑपरेटर्स को फ़ायदा होगा, उपभोक्ताओं को फ़ायदा होगा और सरकार को भी फायदा होगा। कपिल जी, आपको अभी भी लगता है कि जो CAG ने जो उस वक्त में जो फिगर दिया था, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट UPA गवर्नमेंट के लिए, कि जो CAG द्वारा आना, ये भी एक माहौल की बात है। देखिए, और उसके बाद जिस तरीके से वो छाप लगा देना, इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटीज अगर अपने कॉन्टूअर्स के बाहर जाएंगी तो ऐसा होगा। मैंने तब भी कहा था कि 1,76,000 करोड़ का कोई बुनियाद नहीं है, आज भी वो बात है और आज सब सिद्ध हो गई। हमने ऑक्शन की तो हमें क्या मिला, 1,000 करोड़, क्योंकि बाकी पैसे तो बाद में आएंगे, 9-10 हज़ार करोड़ मिलेगा। जो 1,76,000 करोड़ का अल्टीमेटली हुआ क्या,
हमने ऑक्शन तो की ना, लेकिन माहौल बदल गया। जो उस समय माहौल था वो बदल गया। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के मुद्दे अगर अगर कोई भी इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, उनकी अपनी सोच होगी और अपनी सोच के आधार पे उन्होंने कुछ काम किया होगा, लेकिन इससे विवाद पैदा होते हैं। पर आपको लगता है कि इस तरीके का जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज हैं, चाहे वो सीएजी हो चाहे वो जुडिशरी तो केवल देखती है कि ये फैक्ट्स हैं हमारे ब्रीफ में और उस आधार पे उन्होंने फैसला करना है। जहां तक नीति की बात आती है, जुडिशरी उससे उस पर दखल अंदाजी कभी नहीं करती, क्योंकि नीतियों के पीछे एक सरकारी सरकार की जो पार्टी की एक दृष्टिकोण होता है, एक सोच होती है, वो एक हमारा पॉलिटिकल और सोशल एजेंडा होता है, उसको जुडिशरी में कोई दखलंदाजी नहीं, क्योंकि जुडिशरी का अपना कोई पॉलिटिकल और सोशल एजेंडा नहीं हो सकता, ठीक है ना। जुडिशरी तो ये तय करेगी ये संवैधानिक है या नहीं, और वो दखलंदाजी जरूर जुडिशरी को करनी चाहिए। और अगर जुडिशरी सोचती है कि किसी ने कोई ऐसी बात की है जो 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 असंवैधानिक है या करप्ट मोटिव से की है, तो मैं समझता हूं कि जुडिशरी को दखलंदाजी करनी चाहिए, और वो जुडिशरी ने किया भी है और मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन उससे हटकर अगर कोई ऐसे निर्णय लो जो पॉलिसी में दखलंदाजी करें, नीतियों में दखलंदाजी करें, तो उससे फिर देश को नुकसान होगा। यही बात दूसरी इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटीज पे लागू है, चाहे वो सीएजी हो चाहे कोई और हो। जब ये अथॉरिटीज ये डिसीजन लेती हैं और उसका इम्पैक्ट सरकार पर और देश पर जब पड़ता है, उसके बाद क्या हेल्पलेस हो जाती है गवर्नमेंट, क्या हो जाता है? क्यों हेल्पलेस तो होना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जब आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए टेलीकॉम इंडस्ट्री, अब हम क्या करते, हमें मानना पड़ा। अभी सीएजी का भी हम क्या कर सकते हैं, अभी उन्होंने कोई ऐसा कैलकुलेशन दे दिया तो वो तो पार्लियामेंट के सामने आ गया, देश के सामने आ गया। उस पर अगर हम चर्चा करना चाहें तो वो चर्चा भी नहीं हो सकती, क्योंकि पार्लियामेंट चलने ही नहीं कोई देता, ठीक है ना। विपक्ष तो उस पर पकड़ लिया विपक्ष ने कि ये एक सीएजी ने कह दिया, और सीएजी भगवान है, उन्होंने कह दिया तो ये बिल्कुल सही है। अब कोई अगर पूरी तरह से एक डिबेट नहीं होगी देश में और पार्लियामेंट को अगर चलने नहीं देगा, तो नुकसान इंस्टीट्यूशन क्या नहीं देश का होगा, देश के भविष्य का होगा। तो देखिए, डेमोक्रेसी लोकतंत्र का आधार है इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी। इस इंस्टीट्यूशंस की इंटेग्रिटी पे आप हमला करोगे, पार्लियामेंट नहीं चलने दोगे, ठीक है, या ऐसे ऐसे निर्णय लोगे जो आपके आपके दायरे के बाहर हों, तो वे फिर वो लोकतंत्र को नुकसान होगा। और उसमें अगर लोकतंत्र को कहीं नुकसान ऐसा हो गया कि लोगों का विश्वास लोकतंत्र पे हट गया, जो मैं नहीं समझता कभी होगा, तो उसमें फिर आपके भविष्य, हमारे भविष्य पे एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ये इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है कि सही रास्ते पर चलें, संविधान उनके सामने है, हमने सब वो संविधान देश की जनता ने हमें दिया है, वो हमारा समझ लीजिए एक हाईवे है, हाईवे टू प्रोग्रेस, ठीक है ना। उस हाईवे पे हमें सभी चलना है, उस हाईवे में लेन्स हैं, एक लेन एडमिनिस्ट्रेशन की है, एक लेन जुडिशरी की है, एक लेन लेजिस्लेचर की है, और उसके बीच बीच में कोई बायलेंस भी हैं, कोई सीएजी है, कोई फिनेंस कमीशन है, कोई ये है, कोई वो है, सभी को अपने अपनी लेन में चलना है। अभी लेन में हट में किसी और की लेन में चले जाओगे तो एक्सीडेंट होगा, वो एक्सीडेंट हम नहीं चाहते। लोकतंत्र का एक्सीडेंट होगा तो उसमें देश गड़बड़ाएगा। आप किसी की देश का इतिहास देखिए, ये पीरियड ऑफ ट्रांजिशन हर एक देश के इतिहास में आया था, और फिर लोग वापस पटरी पे आ गए, और मुझे मालूम है कि ऐसा ही होगा हमारे देश में, जो भी लेन के अलग चल रहा है वो वापस अपनी लेन में आ जाएगा। क्या आपको लगता है जो कॉलेजियम है जजेस को अपॉइंट करने का, उसमें बदलाव आना चाहिए? बिल्कुल, बहुत भारी बदलाव आना चाहिए। किस तरीके का बदलाव आना? मैं नहीं समझता कि ये उचित बात है कि केवल 5 या 3 जज किसी भी कोर्ट के तय करें कि कौन जज बनेगा। और मैं तो समझता हूँ कि जुडिशरी में सर्जरी की ज़रूरत है, इंक्रीमेंटल चेंजेस की ज़रूरत नहीं, सर्जरी की ज़रूरत है। और उसके लिए जुडिशरी को खुद सोचना चाहिए। आज के दिन जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स अपॉइंट हो रहे हैं, किस आधार पर अपॉइंट हो रहे हैं? जजेस अपॉइंट हो रहे हैं, किस आधार पर अपॉइंट हो रहे हैं? और असलियत तो ये है कि अगर हम
थोड़ा सा जांच इसमें करें तो पता चलेगा कोई किसी का कोई है। और ये पर ये सर्जरी कौन करेगा? ये सर्जरी बातचीत करके ही होगी, क्योंकि सर्जरी तो के साथ हमेशा उसमें कट करना होता है। बिल्कुल कट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जुडिशरी में रिफॉर्म की ज़रूरत है, शायद मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन में भी उतनी ज़रूरत नहीं जितनी जुडिशरी में ज़रूरत है। और एक मतलब के ऑब्जेक्टिव तरीके से तय करना होगा कि कहाँ कहाँ रिफॉर्म की ज़रूरत है और कैसे जुडिशरी खुद अपने आप को रिफॉर्म करे। ये बताइए कपिल जी कि जुडिशियल एक्टिविज्म देश में बढ़ा है, जजेस का अपना एक पहले उन नीतियों पर शायद वो रिएक्ट करते थे बट एग्जीक्यूटिव डिसीशंस पर उस तरीके से रिएक्ट नहीं करते थे, अब हर मुद्दे पर जजेस का रिएक्शन आने लगा है। उनकी सोच सही है, लेकिन कभी कभी वो जो कॉन्टूअर्स हैं इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी उसको पार कर सकती है और उस पर हमें आपत्ति है। लेकिन उस पर मैं कोई दोष नहीं दूंगा इस बारे में, क्योंकि ऐसा हम सब मॉडल हैं, कभी कभार हो जाता है। नहीं, लेकिन एक सडनली माहौल सा बन गया कि हर मुद्दे पर एक्टिविज्म होने लगा, तो ये क्यों हुआ? वो हिंदुस्तान में वैसे ही माहौल बना हुआ है। मैं बताऊं एक्टिविज्म फॉर एग्जांपल, मीडिया एक्टिविज्म बड़ा जबरदस्त है इस समय, ये भी माहौल बन गया। जुडिशियल एक्टिविज्म बड़ा जबरदस्त है, स्ट्रीट एक्टिविज्म बड़ा जबरदस्त है, ये एक माहौल है, 21वीं सदी का माहौल है। क्योंकि हमारे जो सिस्टम्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं वो एकदम बदल चुके हैं। तो क्या एज एन आईटी मिनिस्टर आप ये मानेंगे कि ये माहौल को आप लोग ठीक से हैंडल मतलब नहीं, समझ नहीं पाए या नहीं विश्व की बात है ये, कहीं भी आप चले जाओ, अगर आप किसी देश के भी आप लीडर को पूछो वो यही कहेगा कि साहब हमें मालूम नहीं कि कल क्या होने वाला है। क्योंकि एक मीडिया, एक सोशल मीडिया या मीडिया की जो रीच है वो इतनी बढ़ चुकी है, उसकी ताकत इतनी हो चुकी है कि उसके जवाब देना तुरंत इंस्टेंट कॉफी जैसे बड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में, वर्षों में, वो मीडियम भी रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करेगा। मैं नहीं मानता, मैं तो एक टेम्प्ररी फेज मानता हूँ जिसमें हम भी सीखेंगे और वो भी सीखेंगे। 2014 के चुनाव में क्या आप चांदनी चौक से ही लड़ेंगे, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी? क्यों नहीं, जब तक देखिए ये तो तय करेगी पार्टी, ये तो तय करेगी पार्टी, लेकिन हम तो चांदनी चौक से ही लड़ना चाहते हैं। आपको लगता है कि अन्ना हजारे का आंदोलन या आम आदमी की पार्टी, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, ये आपके वोट बैंक में काफी डेंट डालेंगे? मुझे नहीं पता, ये तो चुनाव के रिजल्ट बताएंगे आपको जब चुनाव सामने आएगा। और कौन हमारे कौन माहौल तो आपको पता होगा ना, आप तो माहौल की कोई आप माहौल की आप घबराहट मत कीजिए, दिल्ली में हम जीतेंगे, 2014 से पहले ही जीतेंगे और 2014 में बिल्कुल कॉन्फिडेंट है आप? बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं। अच्छा कपिल जी, आप तो बड़े सीनियर और सीजन्ड लॉयर रहे हैं, राइटर भी हैं, तो लगता नहीं कि मतलब यू नो पॉलिटिक्स की जो आपाधापी है उससे वो बेहतर था, वो दुनिया ज्यादा अच्छी थी? मैं नहीं समझता। देखिए जो भी रास्ता आदमी अपनाए उसको एम्ब्रेस कर लेना चाहिए, उसको गले लगा लेना चाहिए, तभी उसमें लुत्फ आता है, मज़ा आता है, काम करने का भी मज़ा आता है। अब जब हमने वकालत की थी तो हमने वकालत को गले लगाया था, जब हम पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी से मैं तो पढ़ाने उसको गले लगाया था, और हमने अब पॉलिटिक्स को गले लगाया तो हम उसमें हमें बहुत बहुत मज़ा आता है, लुत्फ आता है। ऐसे भी क्षण होते हैं जब हमें बहुत दुख भी होता है। मैं खुद कहता हूँ कि मैं जो करना चाह रहा था मैं नहीं कर पाया, उसकी कई वजह हैं, ठीक है ना? और मैं भी क्योंकि मॉर्टल हूँ, मुझसे भी ज़रूर गलतियाँ होंगी, तो जितना मैं चाहता था मैं करूँ मैं नहीं कर पाया, लेकिन जितना मैंने किया है उसकी मुझे इतनी खुशी है कि कोई और प्रोफेशन वो खुशी मुझे नहीं दे सकता। क्योंकि अगर मैं एक गरीब आदमी के चेहरे पे मुस्कान ले आऊँ तो मेरा दिन बन जाता है, और मेरी कंस्टिट्यूएंसी में तो 18 लाख लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में सुधार लाना, और कई हमने ऐसे कदम उठाए हैं कि हम सुधार लाए हैं। आप मेरी कंस्टिट्यूएंसी में जाके जनता को पूछिए, वो आपको बताएं। तो ये थे आमने सामने में कपिल सिब्बल, मैं अनुराधा के साथ किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।